पंजाब सीएम कैप्टन अमर सिंह या फिर हम कहें कि पूर्व सीएम कैप्टन अमर सिंह ने 4:30 बजे करीब पंजाब राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया और इसका क्या असर पंजाब में पड़ने वाला है, ये एक बहुत अहम पहलू होगा क्योंकि काफी लंबे समय से अगर हम कहें कि कांग्रेस में एक तनातनी चल रही थी नवजोत सिद्धू के आने के बाद और अब हम कह सकते हैं क्या ये तनातनी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ सुखबीर बाजवा है, ये उनसे जानते हैं कि कितना असर हो जाए। तो बाजवा, कितना असर पड़ेगा पंजाब पॉलिटिक्स में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस इस्तीफे से? अगर ये मानना, अगर नवजोत सिद्धू ये मान के चले कि शायद उसकी वो जीत होगी है, ये शायद मेरे ख्याल से जीत नहीं है, ये कांग्रेस की खुद की पतन का सवाल है उसमें हुआ है, क्योंकि इसमें ओपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, क्योंकि खुद ही विद इन द पार्टी ओपोजिशन है जो इनका विरोध कर रही है। और मेरे ख्याल से अगर ध्यान से अगर पूरा आंकलन किया जाए आके, तो नवजोत सिद्धू अगर ये सोचें कि भी शायद उनको रिजाइन दिलाकर शायद कहीं ना कहीं उन्होंने काफी हासिल कर ली जीत है, ये बिल्कुल गलत फहमी होगी। ये जो भी है इनका जो विद इन द पार्टी कांग्रेस का जहां ग्राफ यहां था पहले, सिद्धू के आने के बाद नीचे आ गया, संकोच नहीं लिखो के अब ये सीएम के जाने के बाद वो दो रणनीति बनाएंगे, वो क्योंकि जिसने ह्यूमिलेट कर रहे थे उसको ये था छोड़ के चले जाके, जो इतना बड़ा मेला चला रहे थे मेला वो उसी के लिए था ना, वो भी अमरिंदर महाराज अमरिंदर जो भी है, अब ये कहना उसके ऊपर आरोप लगाना ये लगाना, मैं कहता हूँ हर की कमी हो सकती है, कोई हम पार्टी प्रवक्ता तो हूं नहीं लेकिन पिछले मैं 25 साल से देखता हूँ सरकारें कैसे चलती हैं, लेकिन अमरिंदर कि जो इम्यूनिट करना रिजाइन देना वो ठीक था। अब तो चाहे वो थोड़ा 4 दिन खुशी तो मना सकते हैं, ये पार्टी वाले पीपीसीसी चीफ मना सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनें इनके लिए सबसे बड़ा संकट बना रहेगा। कह सकते हैं कांग्रेस ने अपने पैर पे इलेक्शन के पास इतने नजदीक अपने पैर पे एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार दी है, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या चेहरा नहीं है, बीजेपी चुनाव लड़ना उसने मुश्किल हुआ पड़ा गया, अकाली दल बीजेपी अकाली दल जो बेअदबी को लेकर वो अभी गांव में घुसे हैं बड़ी मुश्किल से आके है, वहां कांग्रेस पार्टी बची थी और कांग्रेस में विद इन द पार्टी नवजोत सिद्धू जो है वो बेसिकली जिस पार्टी में आए हैं मेरे ख्याल जितना मैंने उसको प्रोफाइल देखा है, इन्होंने कभी उनका वो उनका असल में अगर उस कल्चर में डलने से पहले छोड़ जाते हैं पार्टी, अगर यही आ रहा ना आके उसमें आके, तो ये मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए नवजोत सिद्धू को लाना सबसे बड़ा ही इनका खुद का पतन होगा। कहीं ना कहीं से अनिल विज भी ये कह चुके हैं कि जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे उसी दिन से कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाहर जाने का रास्ता शुरू हो गया था, क्योंकि जहां जहां नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं वहां वहां वो किसी ना किसी बड़े चेहरे को खराब करते हैं। सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज जैसे बोलते हैं करते हैं, ये कोई सीजेंट पॉलिटिशियन नहीं है, अगर आप किसी को हाथ को थूक लगा रहे हो ऐसे घुमा रहे हो कभी ऐसे कर रहे हो, युगांडा का जो मैंने मुझे जो लोग बोलते हैं उसका तांत्रिक विद्या जानते हो, सिख कम्युनिटी सरदार होने के नाते हाथ में उन्होंने तुईत पान रखे हैं, ये कोई कल्चर नहीं है, ये आप आइडियल हो पंजाब के आइडियल हो, आपको लोग देखते हैं आपको देखते हैं लोग क्या, अगर आप ही ऐसे बन के रहोगे आके तो शायद मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं रहेगा। आखिरी साहब जी, आज ये जो पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी एक तरह से हम कहते हैं धरी की धरी रहेगी, पर क्या कोई नया चेहरा लग सकता है कि आएगा या फिर ये जो जहां तक सुनील जाखड़ की बात चल रही है, अगर सुखजिंदर दावा है बाकी है, मुझे लग रहा है सुनील जाखड़ ये लोग जो तो हारा हुआ है, वो ममता बनर्जी भी तो हार गई थी ना, सीएम बनी ममता बनर्जी जाके, प्रावधान है कानून का प्रावधान है 6 महीने कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सुनील जाखड़ को शायद एक हिंदू चेहरे के तौर पर एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल तौर को उसको लेके आना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इनके लिए वो ठीक रहेगा के, लेकिन वो जो सिद्धू कहें कि मैं आप सीएम बन जाऊंगा मुझे नहीं लग रहा ऐसे करके, पार्टी पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं हिला जरूर दिए इन्होंने इसके। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इस्तीफा दे चुके हैं, पर उन्होंने जाते जाते एक बात जरूर कह दी है कि मेरे लिए अभी सारे रास्ते खुले हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये स्टेटमेंट पंजाब पॉलिटिक्स में कितना बड़ा भुजाल लाती है। कैमरामैन रिजवान के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।